फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा गुप्ता और मैं आज अपने ब्लॉग के सेकंड डे में अपने गार्डनिंग को दिखा रही हूँ। और ये है मेरा गार्डनिंग, जिसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं और देख सकते हैं आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ये है मिर्ची के पौधे, इसमें अभी मैं पानी पटा रही हूँ, यहाँ पानी पट रहा है। तब तक पानी पटने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम और सब जो पेड़ हैं तब तक हम उन्हें देख लेते हैं। तो इस बार भी बहुत कुछ लगाया गया है, लेकिन उस तरह से होता नहीं है ये। और मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे है टमाटर के पौधे, ये सारे टमाटर के पौधे हैं। और जो लगा है गोभी के पेड़, ये भी छोटे ही हैं, ये अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। जब बड़े होंगे तो मैं फिर आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जब इसमें फल आ जाएंगे। तब तक और ये बोरी के पेड़ हैं जो अभी छोटे ही हैं, ये भी बड़े होने में अभी फूल तक भी नहीं आया है। और बैंगन के पेड़, और ये हमारे हैं छोटे से बैंगन के पेड़, जिसमें अभी फूल आ चुके हैं। फूल इसमें दिख नहीं, यहाँ फूल आ चुका है, यहाँ देख रहे हैं इसमें फूल आ चुका है। और ये है बैंगन, और हमने लगाया है सागवाग भी है, लेकिन वो अभी उगे तक नहीं है, अभी उगे नहीं है। और ये लहसुन, और ये है लहसुन के पेड़। छोटे छोटे ही हैं बस अभी हुए हैं। और ये साग जो बहुत इम्पोर्टेंट, देखा। और हमने मूली भी लगाया, मूली भी अभी तक हुई नहीं है। ये अभी बहुत टाइम तक छोड़ दूंगी ये, जब तक पूरा पानी पट ना जाए, और फिर इसे होने के बाद बंद कर दूंगी। तब तक ये हो रहे हैं और इसे एक घंटा दो घंटा के लिए छोड़ दूंगी। ये पानी गार्डन की तरफ से आते हैं, तो हमने उसी को डायरेक्ट यहाँ पाइप द्वारा जोड़ दिया है, और ये पूरे बारी में पटते रहते हैं। जब पानी आता है तो पट जाते हैं, पानी ख़त्म होता है तो फिर ये खुद बंद हो जाते हैं, फिर खुद चालू हो जाते हैं। तो उपयोग हो रहा है सरकारी पानी का। और भी है बहुत कुछ लगा हुआ, इस समय भी अभी बुना हुआ है, लेकिन अभी इसमें पेड़ नहीं आया है, अभी ये छोटे ही हैं। और ये हल्दी, ये अदरक है, अदरक ये दिख रहे हैं अदरक, इसमें अदरक ये छोटे छोटे अदरक हैं। Thank you.
लगा हुआ है, अदरक बैठ गया है, लेकिन इसे अभी एक मंथ दो मंथ बाद जब ये पूरा पेड़ सूख जाएगा फिर हम इन्हें उखाड़ लेंगे और फिर नया पेड़ लगाएंगे और उसे भी एक साल बाद अगले ठंड में उखाड़ेंगे। और ये है धनिया पत्ता जो सबसे इम्पोर्टेंट है ठंड में, सब्जी में धनिया पत्ता खाने में ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये धनिया पत्ता का पेड़। अच्छे से नहीं हो पाई है और नहीं हो पाती है, फिर भी खाने जितना हो जाता है और काम चल जाता है। मुझे अभी उतना अच्छा से ब्लॉगिंग करने नहीं आता है क्योंकि मैं इसे रेगुलर नहीं करती हूँ, जब मन हुआ कर लिया, इसलिए मुझे उतना नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ इसमें। लेकिन ऐसे ऐसे आदत बन जाएगी और आ भी जाएगा करने के लिए आप सबके साथ। आपको मैं दिखाती हूँ मिर्ची, मिर्ची जो फड़ा हुआ है मिर्ची दिखाती हूँ। वैसे अगले साल के ही पेड़ हैं जिसमें अपने मौसम के हिसाब से ये सूखता है और इसमें मिर्ची आ जाता है, हमने इसे फिर से नहीं लगाया, ये अगले साल का ही पेड़ है। और मिर्ची के भी पेड़ छोटे ही हैं जो अभी तक बड़े नहीं हुए हैं और उसमें अभी तक फूल तक नहीं आए। और ये फ्लावर के साथ ऐसा हुआ कि ये थे बड़ा वाला गेंदा, जो बड़े बड़े आकार के बड़े बड़े होते हैं वो वाले गेंदा, और ये इस साल फट के आया है छोटे छोटे गेंदा, तो हमने मतलब को पता ही नहीं चला ये हुआ है क्या, बड़े गेंदा छोटे हैं ना जैसे होंगे, लेकिन अब हो गए ये दिखने में अच्छे। क्योंकि मैं ऐसा कुछ डाल नहीं पाई इस ब्लॉग में, लेकिन मैं आगे आगे मैं देखूंगी कि मैं इसमें कैसे अच्छा कर पाती हूँ और आपके लिए अच्छे ब्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू। Bye.